नहीं पाए। हुआ है तुहार, हो गई गलती, अबका जान लेगा। हाँ निर्भय बेटवा, जो सजा दो मंजूर है, कहो तो 100 उठक बैठक लगा दे। बहना, हम ही फैसला किया है कि हम खुद ही कान्हा के पास जाएंगे, उनके घर दोनों हाथ जोड़ के बेनती करेंगे कि वो हमार बिटिया सुरभि को वापस अपना ले, क्योंकि आखिरकार सुरभि जिस बच्चे को जन्म देने वाली है वो बच्चा है तो कान्हा का ही ना। क्या कह रहे हैं बाबू जी? अरे हमार कोई इज्जत है कि नहीं? अकल से काम लो निर्भय, अकल से। अरे उठा के ले आएंगे उस ससुर कान्हा को यहाँ यहाँ, और जबरदस्ती उस साले की। जबरदस्ती का ही नहीं हो, बस बहुत सुन ली बड़ों की बात, अब वही होगा जो हम करेंगे। हम बहना का बच्चा गिरा देंगे। और शादी करा देंगे किसी अच्छे परिवार में। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। का करेगी तो हाँ, मैया के बदले के खातिर अपनी आधी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब बची कुछ ही जिंदगी वो दुश्मन के बच्चे के खातिर खर्च करेगी का? हाँ, एक बात हमार कान खोल के सुन ले सुरभि, ये दुश्मन का बच्चा है, गिराना ही पड़े, समझी? बहना का ध्यान रखना, कोनू गलती नहीं होनी चाहिए। 2 दिन में हम सब इंतजाम कर देंगे। ऐसा मत कीजिए, आपसे बहुत बड़ा पाप हो जाए। ये अनर्थ है, ये किसी और की अमानत है, आप सबको बहुत पाप पड़ेगा। ये अभी घर में पाप पुण्य का हिसाब तू रखेगी का? मेहरबानी समझ कि तहखाने से तुमको बाहर निकाला। निर्भय बिटवा, बहुत ही सही फैसला किया है। इस सब के लिए हम जिम्मेदार हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि सुरभि बिटिया को इस बोझ से हम हल्का कर दें। गिरा दे बच्चे को, धूमधाम से त्योहार शादी करेंगे, अपनी बड़ी की बुआ पर भरोसा कर, सब ठीक हो जाएगा। बेबी जी, आप सच कह रही हैं? हाँ अम्मो, विष्णु मेरी मीची से प्यार करता है। हाँ अम्मो, हम विष्णु के कमरे में गए थे तो गलती से यह खत पढ़ लिया हमने। वो कब से इस खत को लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन लिख ही नहीं पा रहा है। हम तो इतने खुश हैं कि हम बता नहीं सकते। बस मीठी की नई जिंदगी की शुरुआत विष्णु के साथ हो जाए। हाँ, और वैसे इच्छा भी तो यही चाहती थी। हाँ हाँ बेबी जी, इच्छा को तो यही पता था कि मीठी की शादी विष्णु के साथ हुई है। उसे क्या पता था कि विष्णु के भेस में कोई और ही था। बेबी जी, मीठी मान जाएगी ना? हाँ, वो समझ जाएगी ना कि हाँ मान जाएगी अम्मो। अब चिंता मत कीजिए, मीठी से हाँ करवाने का काम हमारा। हाँ बेबी जी,
विष्णु बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक लड़का है, बस बस भगवान करे मीठी हाँ कह दे, कर देगी अम्मू। आओ बेटे बैठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुना आप जा रहे हैं? जी वो जाना तो है। हाँ थोड़े दिन और रुक जाओ ना। जी वो विष्णु अभी अभी तो मीठी की सालगिरह खत्म हुई है, कुछ देर रुक जाना बेटा। जी बहुत जरूरी काम है। मीठी जी आपके दोस्त हमारी तो कुछ सुनने से रहे, अब आप ही कुछ कहिए। हाँ हाँ सब लोग कह रहे हैं तो रुक जाइए ना कुछ दिन और। जी अब ऑफिस में बहुत जरूरी काम है इसलिए, वरना मैं जरूर रुक जाता। अरे काम तो होता ही रहता है। एक काम करते क्यों ना हम शॉपिंग के लिए चलते, है ना मासी? हाँ हाँ वैसे मीठी काफी दिनों से घर से बाहर ही नहीं गई, उसके लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना मीठी? आप मुझे लेके जाएंगे ना शॉपिंग पे? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अरे मुक्ता अच्छा हुआ विष्णु और मीठी शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे, आप भी चली जाइए इनके साथ। ओके आकाश जी आप भी आइए ना हमारे साथ। क्यों हम लोग इतनी शॉपिंग करेंगे ना तो शॉपिंग बैग्स पकड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए। इतना कोई भारी सामान तो होगा नहीं, तो आकाश की क्या जरूरत है। मासी आने दीजिए ना इसे, इसे भी तो पता चले कि इस घर में इसकी क्या जगह है। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। अरे आकाश जी आप भी बैठिए ना हमारे साथ। आप लोग इत्मीनान से बैठिए, हम तो यहीं कहीं बैठ जाएंगे। यहाँ बैठ जाए मैम सब, यहाँ बैठ जाते। आपके लिए क्या ऑर्डर करना है? जो आपको अच्छा लगे ऑर्डर कर दीजिए। ओके। आपके लिए भी मैं अपनी पसंद से ही ऑर्डर कर दूं? देखते हैं आपकी पसंद है क्या। और हाँ आकाश जी के लिए भी वही ऑर्डर करना। पराठा, दाल मखनी, मटर पनीर और लस्सी किसी को चाहिए? आपको चाहिए? ओके। दो लस्सी। अरे भाई साहब। यस सर। ये जो नीले सलवार में मेम साहब बैठी है ना, इनके खाने में मिर्ची नहीं रहेगी। ओके सर। मेम साहब को मिर्ची अच्छी नहीं लगती, तीखी है ना, इसीलिए। फटाफट लिए। I'll get back। ए चल फटाफट खाना लगा, भूख लगे सब लोग को।
यहाँ के पराठे बहुत अच्छे हैं। ये इधर आना, ये ओ सोनी तोता आइटम हाटी। पराठा है ना, यही कह रहा था मैं। मक्खन वाली तीखी और मीठी भी। अरे मैं तो दाल मखनी की बात कर रहा था। सड़ियल बिगड़ेल खटिया कंकड़ है, बहुत ही घटिया दाल है। लगता है आज तू मेरे हाथ से दाल खाने के लिए यहाँ पर आया है। गुंडा मवाली आवारा बदमाश। मैं तेरी बात कर रहा हूँ।